तो कैसे हो आप? आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू और मिर्च के पकोड़े। बारिश के मौसम में किसे खाना पसंद नहीं है पकोड़े। और ये देखिए दोस्तों, ये जो हम सब्जी में यूज़ करते हैं उस ग्रीन चिल्ली के मैंने यहाँ पकोड़े बनाए हैं। जो ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करता है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए जिन्हें स्पाइसी खाना पसंद है। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने ये आलू के पकोड़े बनाए हैं और इन्हें हम सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, क्रिस्पी हैं ये। और ये मैंने बच्चों के लिए, और ये बच्चों के लिए हैं थोड़े, जिनमें ग्रीन चिल्ली है वो स्पाइसी स्पाइसी इसके बड़ों के लिए बनाए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमने आलू के पकोड़े किस तरीके से बनाए हैं। लंबे लंबे से स्लाइसेस में आलू कट कर लिए हैं इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा आलू लिया था और मैंने यहाँ बेसन ले लिया है, ये 150 ग्राम के करीब मैंने बेसन ले लिया है। इसमें मैं अब यहाँ सौंफ है ये, और ये खड़ा धनिया है, इसे मैंने खड़े धनिए के टुकड़े कर लिए हैं, क्रश कर लिया है, और मैं इसे इसमें डाल दूँगी। सौंफ डालने से हमारे पकौड़ों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सौंफ ज़रूर डालिए पकौड़े बनाते समय। और ये धनिया है, और ये करी लीव्स है, 8-10 करी लीव्स ली हैं मैंने, और इन्हें वॉश करके रफली चॉप करके इसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ 1/2 टीस्पून में रेड चिल्ली पाउडर यूज़ करूँगी। मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसमें रेड चिल्ली ग्रीन चिल्ली मैं यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ग्रीन चिल्ली यूज़ कर सकते हैं। 1 पिंच में यहाँ टर्मरिक पाउडर यूज़ करूँगी और 1 टीस्पून में इसमें धनिया पाउडर यूज़ करूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका हम बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के हम इसका बैटर तैयार करेंगे। हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारे लम्स पड़ जाएंगे। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमारा बैटर जो है वो हमें रेडी करना है। देखिए दोस्तों, हमारा ये बैटर इस तरीके से हमें बना लेना है। हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ये मेरी जो हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं वो मिर्ची ली है मैंने, और मैं इसके यहाँ पे 6-7 पकोड़े बना लूँगी। इन मिर्चियों का पकोड़ा बनाने से पहले मैंने यहाँ पे इनमें एक चीरा लगा लिया और इसमें थोड़ा थोड़ा नमक भर दिया है, ताकि ये नमक भरने से इनका तीखापन जो है वो कम हो जाता है। तो मैं ये मिर्च जो है इस बेसन में ऐड कर दूँगी और इन्हें अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमें इन्हें डिप कर लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है। अब धीरे धीरे हम अपने मिर्च के पकोड़े रेडी कर लेंगे। आपका ऑयल गरम हो चुका है, नहीं हो चुका है, आप इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के देख चेक कर सकते हैं। अगर आपका बेसन ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब आपका ऑयल गरम हो चुका है। तो हम मिर्च के पकौड़े बनाने के लिए स्पून की सहायता से, ये देखिए इस तरीके से हम इसको ऐसे डिप कर लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे पकौड़े इसमें डाल दूंगी। देखिए दोस्तों, मैंने सारे यहाँ मिर्च के पकौड़े डाल दिए हैं और मैं इन्हें अच्छे से चलाते हुए दोनों साइड से फ्राई कर लूँगी। दोस्तों ये बेसन थोड़ा सा गाढ़ा था, तो आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी और इसे मिक्स करके घोल हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हम ये जो पोटैटो हैं ये हम डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से।
जब तक हमारे मिर्च के पकौड़े रेडी होते हैं तब तक हम इन्हें इसमें डिप करके रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पकौड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। जिन्हें तीखा खाना पसंद है उनके लिए ये मिर्च के पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट हैं, और जो तीखा नहीं खा सकते हैं वो इससे बड़ी मिर्च आती है उसके पकौड़े बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। आप इस मिर्च के पकौड़ों को बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। जिन्हें तीखा खाना पसंद है, ये मिर्चियाँ तीखी होती है लेकिन टेस्टी लगती हैं जिन्हें तीखा खाना पसंद है। देखिए दोस्तों, वो एक गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें अच्छे से निकाल लेंगे। पकौड़ों निकालते समय हम कुछ टाइम के लिए पकौड़ों को इस तरीके से छन्नी में रखेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। देखिए यहाँ पर मिर्च के पकौड़े रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से हम आलू के पकौड़े जो हैं वो रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो है यहाँ पे, इन्हें हम हाथों की सहायता से इस तरीके से इसमें डीप फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे डाल लूँगी पकौड़े अपने। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारे पकौड़े अच्छे से डाल दिए और इन्हें मैं अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लूँगी। ये यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, और ये जो मैं बना रही हूँ इनमें मैं ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने दो छोटी ग्रीन चिली ऐड की है, बाकी के पकौड़े मैं ग्रीन चिली के साथ बनाऊँगी। बचे हुए पोटैटो को हम इसमें डाल दूँ। देखिए दोस्तों, हम दूसरी साइड से इन्हें अच्छे से पलट के फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको सर्दी बारिश के मौसम में पकौड़े खाने पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको और आपके परिवार ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारे पकौड़े आलू के बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैं इन्हें अच्छे से निकाल लूँगी। बाकी के बचे हुए पकौड़ों को मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर बाकी के बचे हुए आलू के पकौड़े इसमें डाल दिए हैं, और इन्हें मैं दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो हमारे पकौड़े बनकर रेडी हैं। आप इन्हें बारिश के मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आप इन्हें सॉस के साथ भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे। और आप ग्रीन चटनी भी बना सकते हैं उनके साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा इनका। प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी। थैंक यू।